तो दोस्तों, आपने भी देखा होगा आजकल बहुत ही ज्यादा रंगीनियां मचाई जा रही हैं और फोटो में बहुत ही चमचमाहट आ रही है। तो आप भी हैरान होंगे ये चमचमाहट आती कहाँ से है। तो सिंपली आपने करना क्या है, आपने अपने प्ले स्टोर में जाना है और उधर से लाइट रूम की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। और उसके बाद जब आप उसे ओपन कर लेंगे तो आपने सिंपली जो स्टेप्स मैं कह रहा हूँ आपने बिल्कुल को फॉलो करना है और आप भी बहुत आसानी से अपनी फोटो चमका सकते हैं। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपने इधर से अपने फोटो ऐड करनी है, उसके बाद आपने ऑल फोटोज में चले जाना है। ऑल फोटोज में जाने के बाद आपने एक फोटो जिसे आपने एडिट करना है उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो उसके बाद इधर आपको एक आइकन नजर आ रहा होगा ये वाला, इसको आपने क्लिक करना है और एक्सपोजर को इनक्रीज करना है 0.40 पे। उसके बाद कॉन्ट्रास्ट पे आ जाना है, कॉन्ट्रास्ट को आपने 10 पे कर लेना है और हाईलाइट्स को आपने बढ़ा के 45 पे ले जाना है। और उसके बाद नीचे शेडोज़ की तरफ आना है, शेडोज़ से ये होगा कि शेडोज़ को आपने 20 पे ले जाना है। उसके बाद वाइट्स हैं, वाइट को आपने 12 पे ले जाना है और ब्लैक्स को आपने इंक्रीज करके 40 पे ले जाना है। उसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा था कलर्स वाला, तो आपने इसे ऑप्शन को खोल लेना है। उसके बाद वाइब्रेंस जो है उसको आपने इंक्रीज़ करना है 50 पे, 50 पे आपने वाइब्रेंस को इंक्रीज़ कर देना है। और वाइब्रेंस के नीचे आपको सैचुरेशन नज़र आ रही होगी, सैचुरेशन को आपने डिक्रीज़ करना है -8 तक। और उसके बाद आप कलर मिक्स में चले जाएंगे ये इधर। तो कलर मिक्स में जाने के बाद आपने सेलेक्ट करना है सबसे पहले रेड कलर। रेड कलर में आपने जो ह्यू है प्लस करना है 10 की तरफ। उसके बाद रेड की जो है, रेड कलर की सेचुरेशन है उसको आपने डिक्रीज़ कर देना है -12 की तरफ और उसकी जो लुमिनेंस है उसको वैसे को वैसे रहने देना है। उसके बाद आपने ऑरेंज कलर की तरफ आ जाना है, ऑरेंज कलर में जो ह्यू है उसको आपने -20 की तरफ ले जाना है और सेचुरेशन जो है उसे +20। और लुमिनेंस उसको डिक्रीज़ करके -8 की तरफ ले जाना है। उसके बाद आपने येलो कलर सेलेक्ट कर लेना, येलो कलर में आपने ह्यू जो है उसको 81 की तरफ ले जाना है। और सैचुरेशन जो है उसको आपने 25, मतलब इसके आपने आसपास रखनी है, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए उससे कोई मसला नहीं होता। तो जो येलो कलर है उसकी जो लुमिनेंस है उसको आपने 20 की तरफ ले जाएंगे आप। उसके बाद आपने ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेना है, ग्रीन कलर में जो ह्यू है उसको आपने डिक्रीज करना है -90, सेचुरेशन को आपने -40 पे ले जाना है। तो इससे क्या होगा कि आपके बैकग्राउंड में जितना भी कोई मतलब ग्रीनरी होगी वो उसका कलर चेंज हो जाएगा और इफेक्ट्स में फ़र्क आ जाएगा। उसके बाद लुमिनेंस को आपने -20 पे ले जाना। उसके बाद आपने एक्वा कलर सेलेक्ट कर लेना, एक्वा कलर में जो ह्यू है उसको आपने प्लस करना है 60, एक्वा कलर का ह्यू +60 में ले जाना। एक्वा की सैचुरेशन है, सैचुरेशन को आपने डिक्रीज करना है -50 की तरफ। और इसकी जो लुमिनेंस है, लुमिनेंस को आपने +35 कर लेना है, यानी राइट साइड पे आपने ले जाना इसको 35 पे। उसके बाद आपने ब्लू कलर सेलेक्ट करना है, ब्लू कलर सेलेक्ट कर लेने के बाद आपने जो उसका ह्यू है उसको नेगेटिव ले जाना है -70 की तरफ। इसकी जो सैचुरेशन है उसको आपने 24 पे ले जाना है और इसकी जो लुमिनेंस है उसको आपने कम करना है -10 की तरफ। उसके बाद दो कलर बच गए हैं, एक पर्पल और दूसरा मजेंटा। पर्पल को भी वैसे रहने देना और मजिंडा को भी वैसे का वैसे ही रहने देना। उसके बाद आपने आ जाना है इफेक्ट्स में, इफेक्ट्स में जाने के बाद आपको क्लैरिटी का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, क्लैरिटी को आपने प्लस कर देना है 20 की तरफ। क्लैरिटी के नीचे डिहेज का ऑप्शन नज़र आ रहा है, डिहेज को आपने 10 कर देना है
और उसके बाद ये ट्रायंगल शेप में चले जाना है। इधर आपको कलर नॉइस रिडक्शन का ऑप्शन नज़र आएगा, ये बेसिकली डिटेल्स है। कलर नॉइस रिडक्शन को आपने प्लस कर देना है 30, और तो आपका ये एक प्रीसेट बन चुका है। तो इस प्रीसेट को आप दूसरी पिक्चर पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपली आपने इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद तो दूसरी इमेज है उसको आपने ओपन करना है। उसको ओपन करने के बाद कॉपी सेटिंग के नीचे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा पेज सेटिंग, आपने पेज सेटिंग वाला ऑप्शन क्लिक कर देना है और बहुत ही आसानी से आपकी जो है ना वही सेटिंग दूसरी पिक्चर पर लग जाएगी। तो आपने कोशिश करनी है कि मैन्युअली खुद भी अपनी पिक्चर्स के हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करें। तो देख सकते हैं ये जो पिक्चर है इसमें आपको नज़र आ रहे होंगे ये जो ग्रेनरी है ये येलो हो चुकी है। अगर किसी को ये येलो ग्रेनरी पसंद नहीं आती तो भी कलर्स में जाएगा और उधर कलर मिक्स में जाके आपने ग्रीन कलर सेलेक्ट करना है। ग्रीन कलर सेलेक्ट करने के बाद आपने उसका जो ह्यू है उसको आपने प्लस में ले जाना है। प्लस में लेके जाएंगे तो बिल्कुल लास्ट कलर आ जाएगा। तो उसके बाद सेचुरेशन को भी एडजस्ट कर लेंगे और लुमिनस को हल्का सा और कम कर देंगे तो ये आप देखेंगे बिल्कुल प्यारी इमेज बन जाएगी। तो आई होप कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना आपने। तो एट द लास्ट मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप भी अपनी कोई इमेज चाहते हैं कि मैं उनको एडिट करूँ, आपको अपनी स्क्रीन पे मेरा इंस्टाग्राम नजर आ रहा होगा, आपने उधर जाना है और अपनी दो कोई भी अच्छी सी दो फोटोज मुझे पोस्ट कर देनी है। जिसकी फोटो प्यारी हुई उसका अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर लूंगा। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो को पहले से नहीं किया हो तो लाइक जरूर करते जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।